गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। मैं सुशील आप सभी को अपने परिवार बीट एग्जाम्स पर स्वागत करते हैं। एक बार जल्दी से बता दें, क्या सारी चीजें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही हैं? वैसे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कतें परेशानी आप सभी को नहीं होगी, जल्दी से बता दें। फिर आज की अपनी क्लासेस को हम सभी प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लासेस हमने एनडीए और सीडीएस, आज की क्लासेस जो है वो एनडीए सीडीएस 2024 के लिए है। और हमने जो आज क्वेश्चंस लिए हैं वो सभी एनडीए के क्वेश्चंस हैं, वो सभी एनडीए क्वेश्चंस हैं। अब ये मत समझना जो एसएससी वाले स्टूडेंट हैं, ये मत समझना सर हमको यूज नहीं आएगा। यार आप इस बात को देख लेना कि जो एनडीए क्वेश्चन देता है वो अगले साल एसएससी दे देता है, जो एसएससी क्वेश्चन देता है वो एनडीए और सीडीएस में क्वेश्चन आ जाता है। इस बात को जाकर के एनालिसिस कर लेना, आपको पता चल जाएगा। इस बात को जाकर के एनालिसिस कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ये हमारा इंग्लिश स्पेशल 02 का बैच है जो आपकी जो आपको 499 में एप्लीकेशन बीट एग्जाम्स के एप्लीकेशन पर आप सभी को कितने में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं बीट एग्जाम्स का एप्लीकेशन, या फिर लिंक हमने पिन कर दिया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं बीट एग्जाम्स के एप्लीकेशन को। आज टोटल क्या है, 10 क्वेश्चन ईडीएम्स है, एनडीए के सभी क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चंस एनडीए, 10 क्वेश्चंस ईडियम्स है। ये 10 क्या है आपके ईडियम्स है, और 10 क्या है इंप्रूवमेंट है, और 5 क्या है पैरा जंबल है। टोटल आज 25 क्वेश्चन लिया मैंने, टोटल 1000 सीरीज में आपको ये करवाने वाला हूं। और पैरा जंबल के कितने क्वेश्चन है, जिसे आप लोग PQRS के नाम से भी जानते हैं, पैरा जंबल के 5 क्वेश्चन। आज टोटल हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं। अब ये मत कहना कि सर ये तो आप एनडीए करवा रहे हैं तो ये हमारे एसएससी में कैसे आएगा। तो भाई एनडीए की ही क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं और एसएससी क्वेश्चन एनडीए में पूछे जाते हैं। सबसे बेहतर तरीका तो यही है करने का। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। अब ये बताना कि ईडियम लिखा गया है, और क्या है ईडियम, लायन शेयर है। आप ये बताना क्या आपने लायन शेयर ईडियम को एसएससी में नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना कई बार। अब कहना कि लायन का शेयर, आप कहना क्या लायन का शेयर। अब एक बात बताना कि मेरे बच्चों की आपने पढ़ा होगा कि लायन का शेयर, या फिर एक स्टोरी इस पे है, क्या था कि एक बार क्या था, लायन था और लायन के साथ 2 दोस्त और थे, एक गधा था एक लोमड़ी थी। इन तीनों में दोस्ती थी। क्या हुआ, एक दिन की बात है, लायन शिकार करके लाया, क्या लाया शिकार करके, वो एक शिकार करके लाया। अब गधे को बोलता है तुम हिस्सा लगाओ, गधा क्या करता है सबको बराबर दे देता है। अब शेर को आया गुस्सा, लायन को आया गुस्सा, लायन ने उसे मार डाला। अब लोमड़ी इस बात को समझ गई थी कि लायन ने क्यों मारा इस गधे को। लोमड़ी का मतलब होता है चालाक, चालाक चतुर, वो चतुर तो थी ही और चतुर तो थी ही। अब क्या कह दिया भाई उसने, क्या किया ज्यादा भाग दे दिया किसको, लायन को। तो लायन का शेयर मतलब क्या, लार्जेस्ट पार्ट। लायन का शेयर क्या कहेंगे हम सभी, लार्जेस्ट पार्ट कहेंगे। तब कहना क्या होगा आंसर, अ पोर्शन ऑफ समथिंग गलत होगा, द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, बोलो ठीक है आंसर। एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, बोलो आंसर गलत है। एन अग्रेसिव स्टेटमेंट, बोलो आंसर गलत है। आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या बी नंबर किसी का आंसर आया था क्या भैया? सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। अब कहना भाई क्वेश्चन नंबर आ जाना नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 ये है। अब स्पिल द बीन्स भी आपने कई बार एसएससी में पढ़ा हुआ है, एसएससी में पूछा गया है। और वही सेम क्वेश्चन कहां पर, एनडीए में पूछ लिया गया, क्या स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स को क्या कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं स्पिल द बीन्स मतलब क्या कि बीन्स को खोल देना, मतलब क्या रहस्य उजागर हो जाना। और रहस्य उजागर हो जाना यानी हमें क्या कहना चाहिए, रहस्य उजागर हो जाने के लिए आप कहें क्या, रिवील अ सीक्रेट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आंसर नंबर 1 होगा। फोर्स्ड टू लीव बिलोंगिंग्स गलत होगा ये। शेयर द न्यूज गलत होगा। टेक ऑफेंस एट समवन्स रूड बिहेवियर, आंसर कहें गलत होगा। आंसर क्या लगाए 1, रिवील अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट को उजागर करना क्या कहा जाएगा, स्पिल द बीन्स कह लिया जाएगा। स्पिल द बीन्स को क्या कहेंगे, रहस्य को उजागर करना। क्या लिखेंगे, रहस्य को उजागर करना, क्या हो जाएगा, स्पिल द बीन्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। अब ये क्वेश्चन आपके लिए शायद नया होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा, और मैं आपका केवल आंसर पढ़ूंगा और आपको बताना है इस सवाल का जवाब क्या होगा। कुक समवंस गूज, गूस का गीस प्लूरल बनाते हैं, ये बात तो सबको पता है, लेकिन गूस का क्या कहा जाता है, हंस या कलहंस कहा जाता है। अब कहना कुक करना, पकाना, क्या पकाना भाई? गूस को पकाना। तो कहते हैं ना इसके मन में कुछ ना कुछ पक रहा है। कहने का मतलब ये है कि भाई इसने किसी के प्लान को ही धराशाही कर दिया। हमने कह दिया कुक समवंस गूस, मतलब इसके दिमाग में कुछ ना कुछ पक रहा है, मतलब इसने प्लान को ही क्या कर दिया? धराशाही कर दिया। तो क्या कहना कि कुक समवंस गूस, कुक गूस। कुक गूस कहने की बात की जाए क्या कि धरे धराए प्लान को बर्बाद कर देना, मतलब पूरा प्लान चौपट कर देना। क्या कहना? कुक समवंस गूस। अगर गूस को कुक करने की बात की जाए तो क्या कहना? प्लान को चौपट कर देना। यानी क्या लिखना होगा? टू असिस्ट अदर्स, दूसरों को असिस्ट करना, सहायता करना, बोलो गलत है। हिप्नोटाइज अदर्स माइंड, दूसरों के माइंड को हिप्नोटाइज करना, यह भी गलत है। इनवाइटिंग मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून इनवाइट करना, यह भी आंसर गलत है। आंसर क्या होगा? टू स्पॉयल अदर्स प्लान, मतलब क्या? दूसरों के प्लान को स्पॉयल कर देना। आंसर क्या लिखें? शी बनाए। और क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नूतन शी होगा, श्योर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है नूतन। आंसर नंबर सी होगा, सभी का आंसर नंबर सी आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वर्तिका आपका आंसर गलत था, प्रिंस आपका आंसर ठीक था, और रोहित आपका भी आंसर ठीक था। चलो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हो सकता है ये ईडीएम भी आपके लिए क्या हो? नया हो। आपने कहा हो सकता है आपके लिए नया हो, मैंने आपको कहा जरूरी नहीं, होगा ही होगा नया, क्योंकि एसएससी में भी ये ईडीएम पूछा गया है। दिस अपीयर इनटू थिन एयर, मतलब क्या होना कि भाई एयर है, अब एयर में क्या हो जाना? डिसअपियर हो जाना। हमने क्या कहा? एयर में क्या हो जाना? डिसअपियर हो जाना। अगर एयर में डिसअपियर हो जाना, कहने का मतलब क्या? गायब हो जाना। डिसअपियर को क्या कहा जाता है? वैनिस कहा जाता है। डिसअपियर को क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? तो वैनिस कहा जाता है। तो हमने क्या कहा? डिसअपियर इनटू थिन एयर, तो मतलब थिन एयर में डिसअपियर हो जाना, मतलब क्या? गायब हो जाना, वैनिस हो जाना, गायब हो जाना। और गायब हो जाने के लिए आंसर क्या लिखे आप सभी? लॉस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए गायब हो जाना नहीं, हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाना गलत होगा। बिकम फॉरगेटफुल, फॉरगेटफुल बन जाना गलत होगा। बिकम अनकेयरिंग, अनकेयरिंग बन जाना, बोलो गलत होगा। क्या लिखना? डिसअपियर सडनली, अचानक गायब हो जाना। डिसअपियर, डिसअपियर सडनली, अचानक गायब हो जाना। डिसअपियर इनटू थिन एयर, कहने का मतलब क्या? अचानक गायब हो जाना। डिसअपियर सडनली, क्या लिखना? अचानक गायब हो जाना। डिसअपियर सडनली, आंसर नंबर क्या बना ले? डी कर ले। और क्या लिखें? डी इज द करेक्ट आंसर। और क्या लिखें? डी इज द करेक्ट आंसर। बात सभी को समझ में आ गया। लो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब हो सकता है ये ईडीएम भी आपके लिए नया हो, आपको इस सवाल का आंसर करना है कि आखिर क्या कर सकते हैं। हमने कहा हो सकता है नया हो, जरूरी नहीं कि आपके लिए नया होगा ही होगा। पुट द स्क्रू ऑन, अब ये बताना कि भाई स्क्रू को क्या कर देना? ऑन कर देना। स्क्रू को क्या कर देना? ऑन कर देना, मतलब क्या करेंगे? आंसर जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। पुट द स्क्रू ऑन, हमने क्या कहा कि भाई स्क्रू को क्या कर देना? ऑन कर देना। आंसर क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, क्या बनाएंगे आंसर? जल्दी से बताना, जल्दी से बताना मेरे बच्चों कि आंसर क्या बन सकता है। हमने कहा जल्दी से बताना कि आंसर क्या बन सकता है, फास्ट। हमने कहा पुट द स्क्रू ऑन, हमने क्या कहा कि भाई स्क्रू को क्या कर देना? ऑन कर देना। स्क्रू को ऑन कर देना, मतलब आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना, फास्ट। 1 2 3 4, आंसर नंबर ए आया, फिर डी आया। प्रिंस का ए आया और मनदीप का डी आया। प्रिंस आपका आंसर ठीक है, लेकिन मनदीप आपका आंसर गलत है। प्रिंस आपका आंसर सही, लेकिन मनदीप आपका आंसर क्या है? गलत है। प्रिंस का आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर नंबर क्या होगा? 1। अब देखो पुट द स्क्रू ऑन, मतलब क्या कर देना? किसी के स्क्रू को ऑन कर देना। तो मतलब क्या करना भाई? उस पर दबाव डालना कि वो क्या करे, जो आप चाहते हैं वो काम करवा लेना। कहते हैं ना कि यार ये काम नहीं करता ना, इसकी चाबी दे दो, ऐसे कान वाला ना, ऐसे कर, इसकी चाबी दे दो, वो अपने आप काम करने लग जाएगा। मतलब किसी पर दबाव डालना जो आप चाहते हैं वो काम करने के लिए। स्क्रू को टाइट कर देना, कहते ना स्क्रू टाइट, जैसे पहले हम लोग जब पढ़ा करते तो हम लोगों के मास्टर जब मारा करते थे ना, कान पकड़ लेते थे और फिर गाल पे तमाचा मारा करते थे। मतलब क्या, स्क्रू ऑन कर देना, पुट द स्क्रू ऑन। अगर पुट द स्क्रू ऑन करना कहने का मतलब क्या हो जाना कि भाई क्या कर लेना कि भाई जो आप चाहते हैं वो काम करवा लेना। कहते हैं भाई चाबी दे दो, चाबी दे दो, इस तरीके से अपने आप वो काम कर देगा। मतलब किसी पर दबाव डालना जो आप चाहते हैं वो काम करवाने के लिए। अब कहना कि यूजिंग समवन्स ट्रिक फॉर ओन बेनिफिट, मतलब क्या खुद के बेनिफिट के लिए किसी व्यक्ति के ट्रिक का यूज करना। कीप द पास्ट अलाइव गलत होगा। नेवर लेटिंग गो ऑफ थिंग्स बोलो गलत है। आंसर क्या लिखे, फोर्सिंग समवन टू डू व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हैं किसी व्यक्ति को करने के लिए मजबूर करना, जो आप चाहते हैं किसी व्यक्ति को वैसा काम करने के लिए मजबूर करना। आंसर क्या लिखना, ए लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑन द फेंस। अब इसका तो आंसर सब दे सकते हैं। सेट ऑन द फेंस की बात करें तो सेट ऑन द फेंस आपने एसएससी में भी कई बार पढ़ा होगा। देखो एसएससी हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, ऐसा नहीं है कि ये तीनों अलग है, ये तीनों बिल्कुल सेम है। एसएससी हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, ये तीनों क्या है, सेम है, अलग अलग नहीं है। ये तीनों क्या है, सेम है, बट आपको उस तरह से रखना है, उस तरह से रहना है, बाकी तीनों क्या है, अपने सेम है। अब एक बात कहना, सेट ऑन द फेंस। अगर हम बात करें सेट ऑन द फेंस तो फेंस कहने का मतलब बाड़ा होता है। बाड़े के ऊपर बैठ जाना, मतलब ना तो हम इधर हैं और ना ही हम इधर हैं। सेट ऑन द फेंस कहने का मतलब क्या, ना तो हम इधर है और ना ही इधर है, कहने का मतलब क्या, हम हैं सेट ऑन द फेंस है। हम है क्या, सेट ऑन द फेंस है, मतलब क्या हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, ना तो तेरा ले रहे हैं ना ही तेरा ले रहे हैं। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, ना तो इसका ले रहे हैं और ना ही उसका पक्ष ले रहे हैं। हम किसी के पक्ष में नहीं है, मतलब हम कोई साइड, किसी का साइड नहीं ले रहे हैं। मतलब क्या, अवॉइड मीटिंग समवन, किसी व्यक्ति से मिलने को अवॉइड करना गलत होगा। वेटिंग पेशेंटली गलत होगा। कहना हाइडिंग फ्रॉम समवन गलत। अवॉइड टेकिंग साइड्स, मतलब क्या साइड्स लेने से भाई इसका पक्ष या इसका पक्ष, जैसे कई बार ऐसा होता है कि भाई दोनों अपने हैं, ये भी अपना है ये भी अपना है, अब हम किसका पक्ष ले, तो हम कहते हैं भाई तुम लोग ही आपस में देख लो। उसे कहा जाता है सेट ऑन द फेंस। उसे क्या कहा जाता है, सेट ऑन द फेंस। तो सेट ऑन द फेंस कहने की मीनिंग क्या, अवॉइड टेकिंग साइड्स, मतलब साइड्स लेने से क्या करना, अवॉइड करना, साइड लेने को क्या करना, अवॉइड करना। आंसर क्या लगा लेना, थर्ड, और थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बी शार्प, बी एज शार्प एज अ टैक। टैक, अब टैक कहने का मतलब कील। अब कील जो दीवार में गाड़ी जाती है, अब कील जो दीवार में गाड़ी जाती है बड़ी ही शार्प होती है, बड़ी नुकीली होती है, तो कहने का मतलब क्या होगा कि बी एज शार्प एज अ टैक। अब क्या, एक कील जैसा शार्प होना, कहने का मतलब क्या, बुद्धिमान होना। एक कील जैसा शार्प होना कहने का मतलब क्या होगा, बुद्धिमान होना। अगर कील जैसे शार्प होने की अगर हम बात करें तो क्या लिखना, बुद्धिमान होना। क्या कहना, अ क्लेवर पर्सन गलत होगा। अ क्लमसी पर्सन, ये भी आंसर गलत है। एक टाकेटिव बातूनी पर्सन, ये भी आंसर गलत। आंसर क्या लिखे, अश्रूड पर्सन। और अश्रूड पर्सन कहने का मतलब क्या, एक बुद्धिमान व्यक्ति। अश्रूड पर्सन कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एक बुद्धिमान व्यक्ति। आंसर नंबर क्या लगाए, बी लिखे, और क्या कहे, बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई कि आंसर नंबर बी क्यों होगा। वेरी गुड प्रिंस वर्मा, वेरी गुड रंजीत। आंसर नंबर डी नहीं होगा, आंसर नंबर आप श्रूड पर्सन लिखे, क्लेवर पर्सन ना लिखे, श्रूड पर्सन लिखे। बाकी देखा जाए तो अगर श्रूड ना होता तो क्लेवर कहा जा सकता था। अगला सवाल देखें, क्या लिखा गया, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। अब कहना कि भाई इस इडियम को हमने पहले भी तो पढ़ा था कि फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, मतलब क्या पिलर से पोस्ट तक, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, हम ये कहना चाहते हैं। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट की बात करना चाहते हैं तो ये बताना कि फ्रॉम पिलर टू पोस्ट की अगर हम बात करें तो कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई एक जगह से दूसरी जगह। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट कहने का मतलब क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह। अगर एक जगह से दूसरी जगह की बात करें तो क्या कहना, अपसाइड डाउन नहीं होगा आंसर। कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर जाना गलत होगा। बिल्कुल ठीक है, आंसर यही होगा। कंस्ट्रक्टिंग अ ह्यूज बिल्डिंग, एक ह्यूज बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना बोलो गलत है। जंपिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन, मतलब माउंटेन के टॉप से क्या करना, जंप करना। आंसर ये भी गलत। आंसर क्या मार्क करें, आंसर नंबर बी, और क्या लिखें, बी इज द करेक्ट आंसर। और क्या लिखें, बी इज द करेक्ट आंसर। और आप क्या कहें, कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करना, यानी क्या कहा जाएगा, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट कह लिया जाएगा। पिलर से पोस्ट तक, पिलर से पोस्ट तक, नीचे से ऊपर तक, मतलब क्या, कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इडियम है ये, 10 क्वेश्चन इडियम के थे अपने, हीथ रॉबिन्सन। अब ये बताना कि रॉबिन्सन तो वैसे एक नाम है, अब हीथ रॉबिन्सन कहने का मतलब क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये एक मशीन है, जैसे आप डालेंगे तो एक मशीन है, और एक ऐसी मशीन बनाई गई, वहीं से एक इडियम बन गया हीथ रॉबिन्सन। ठीक है, अब कहना कि एक बन गया हीथ रॉबिन्सन। अब हीथ रॉबिन्सन कहने का मतलब क्या हो गया कि एक मशीन बनाई गई जिसका नाम रॉबिन्सन, हीथ रॉबिन्सन नाम दिया गया। उसका काम जानते हो क्या था, उसका काम ये था कि किसी सरल काम को बड़े डिफिकल्ट तरीके से करना। जैसे आप ये बताना कि सपोज मेरे को हीथ रॉबिन्सन के बारे में बात करनी है, तो कोई सरल काम है, किसी सरल काम को बड़े डिफिकल्ट तरीके से करना ही क्या कहा जाता है, हीथ रॉबिन्सन कहा जाता है। तो हीथ रॉबिन्सन को आप कह सकते हैं कि किसी सरल काम को बड़े कठिन तरीके से करना, किसी सरल काम को बड़े कठिन तरीके से करना, यानी क्या कहा जाता है, उसे हीथ रॉबिन्सन कह लिया जाता है। और हीथ रॉबिन्सन कहने की मीनिंग क्या, कि सरल काम को बड़े कठिन तरीके से करना, हीथ रॉबिन्सन कहा जाएगा। आंसर क्या लिखेंगे, सुनो, वेरी लेजी पर्सन स्लो इन एक्शन, बोलो गलत है, स्लीपिंग ऑल डे डूइंग नथिंग, ट्रीटिंग एवरीवन एज एनिमी व्हेन दे आर नॉट, गलत होगा, वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आर मशीन फॉर डूइंग अ वेरी सिंपल टास्क, एक सिंपल टास्क को करने के लिए एक कठिन वाला मार्ग, किसी सिंपल टास्क को करने के लिए एक कठिन वाला मार्ग क्या कहा जाएगा, हीथ रॉबिन्सन कह लिया जाएगा। और हीथ रॉबिन्सन कहने का मतलब क्या, किसी सिंपल कार्य को करने के लिए कठिन वाला मार्ग। आप कह रहा कि देखो आंसर नंबर क्या होगा, 1 होगा, और क्या लिखे, 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, ये एडीएम का लास्ट है, फिर इसके बाद इंप्रूवमेंट आ जाएगा। एज थिक एज थीव्स, अब इस इडियम को ये एसएससी ने भी पूछ लिया, इस इडियम को एसएससी ने भी पूछा। एज थिक एज थीव्स मतलब क्या, कि थिक होना थीव्स जैसा, कहने का मतलब क्या, वेरी क्लोज फ्रेंड। एज थिक एज थीव्स कहने की मीनिंग क्या, वेरी क्लोज फ्रेंड। अगर वेरी क्लोज मतलब घनिष्ठ मित्र, लंगोटिया यार, क्या कहना, घनिष्ठ मित्र लंगोटिया यार कहना। एज थिक एज थीव्स घनिष्ठ मित्र लंगोटिया यार, यानी क्या लिखेंगे, डम्ब पर्सन, आंसर गलत होगा। गुड फॉर नथिंग, आंसर गलत है। समवन हु यूजेस एवरीवन फॉर पर्सनल गेन, गलत होगा। वेरी क्लोज फ्रेंड्स हु आर लुक्ड अपॉन विद सस्पिशन, आंसर नंबर क्या लिखें, डी लिखें। एज थिक एज थीव्स मतलब क्या, वेरी क्लोज फ्रेंड, यानी क्या, घनिष्ठ मित्र। ठाकुर संजय, आंसर नंबर डी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जिनका भी आंसर नंबर डी था वो बिल्कुल ठीक है। ये आ जाता है इंप्रूवमेंट। इसमें जितने इंप्रूवमेंट हमने लिए हैं, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, ये एनडीए 2017 के सवाल है। कहाँ के हैं, एनडीए 2017 के सवाल है ये जितने भी आज मैंने इंप्रूवमेंट लिए हैं, सभी इंप्रूवमेंट बहुत ही तगड़े हैं, क्योंकि एनडीए के अगर क्वेश्चन है वो तगड़े होंगे ही होंगे, सभी क्वेश्चन तगड़े हैं। आपको बस धैर्य बना करके आंसर देना है, सवाल को पढ़ना है, समझना है, और देखना है किस टॉपिक का एरर है और इसका सलूशन क्या हो सकता है, इसका सही आंसर क्या हो सकता है, आपको इस बात पर गौर करना है। इट वॉज द मदर ऑफ द गर्ल ऑफ हुज वॉइस आई हैड रिकॉग्नाइज्ड। अब एक बात कहना आप सभी कि आगे क्या लिखा गया, कि ऑफ हुज वॉइस्ड, ऑफ हुज वॉइस आई हैड रिकॉग्नाइज्ड, जिसके वॉइस को मैंने क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। अब कहना कि भाई आंसर क्या बनेगा, इस बात को हमें समझना है। तो पहले जिसे कैंसिल कर सकते हैं, जिस ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं, उसको रिमूव कर देना चाहिए। आप कहना कि देखो ये क्या है, प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के साथ जो होगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन हु तो सब्जेक्ट होता है, बोलो इस ऑप्शन को रिमूव कर दो। ये इंग्लिश में एग्जिस्ट ही ऐसा नहीं करेगा, इस ऑप्शन को रिमूव कर दो, हटा दो। फिर कहना एक बात बताना आप सभी कि अगर मैं हुज को यहां पर लिखूं तो हुज एक आपका डिटरमिनर है, बोलो हाँ डिटरमिनर है। डिटरमिनर के साथ एक नाउन आना चाहिए, बोलो हाँ नाउन आना चाहिए। फिर आप कहना कि इट वाज द मदर ऑफ द गर्ल, वाइस हुज कहना गलत हो जाएगा। अब हमें क्या कहना चाहिए, ऑफ हुज वाइस या फिर हुज वाइस कहना चाहिए। आपको कहना चाहिए आंसर नंबर कौन सा 1। क्यों, इस बात को भी समझना है हुज वाइज क्यों, क्योंकि अगर मैं हुज की बात करूं तो हुज का मीनिंग क्या होता है, ऑफ होम। हुज का मीनिंग क्या होता है, ऑफ होम। अब ये बताना कि होम किसको बताने का काम करेगा यहां पर, तो आपको गर्ल को बताने का काम करेगा। गर्ल को बताने का काम करेगा जिसकी आवाज को मैं पहचान गया था। मतलब आंसर क्या होना चाहिए, आंसर नंबर 1 होना चाहिए। और क्या लिखे, 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या आप सभी को आंसर नंबर 1 समझ में आ गया? सर जी मैंने आज आपकी पेड क्लासेस देखी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। राजदीपक, कहां पर देखा मेरी पेड क्लासेस आपने? गुड इवनिंग राजदीपक जी। हैंड इन ग्लोव, हाँ ठाकुर संजय कह सकते हैं हैंड इन ग्लोव, यानी क्या घनिष्ठ मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज कंसीडर्ड ऑफ 10 मेंबर्स। ये टेम्बर से हमने कर दिया भाई, मेंबर से। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज कंसिस्टेड ऑफ 10 मेंबर्स। एक बात बताना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना कि भाई कंसिस्ट ऑफ का मीनिंग होता है इंक्लूड। कंसिस्ट ऑफ का मीनिंग होता है क्या, इंक्लूड। और एक बात सुन लेना आप सभी कि इसका पैसिव नहीं बनता है, इसका पैसिव नहीं बना सकते, कंप्राइज का भी पैसिव नहीं बना सकते। इस बात को समझना कि इसका पैसिव और कंप्राइज का पैसिव नहीं बनेगा, इनका पैसिव हो ही नहीं सकता है। तब कहना कि भाई पैसिव कहने का मतलब क्या कहा जाता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव कहने का मतलब क्या कहा जाता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कहना कि इज कंसीडर्ड, ये इज बी की ही तो फॉर्म है और बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, मतलब आंसर ये गलत है। आप कहना कि ये आंसर आपका क्या है, गलत है। बात समझ में आ गया सभी को, क्लियर हुआ? सर जी मैंने आपकी पेड क्लासेस देखी है, आप अच्छा हाँ। राजदीपक जी कहाँ देखा है? चलो अगला सवाल देखिए। अब कहना कि भाई क्या होना चाहिए आंसर, तो एक बात कहना कि भाई कंप्राइज जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और कंप्राइज कहने का मतलब शामिल होना। कंप्राइज का मतलब कहा जाता है कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइज का मीनिंग ही होता है क्या, कंसिस्ट ऑफ होता है। आप कहना कि कंप्राइज का मीनिंग क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ। और कहना कि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। कैसी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। मतलब ये है कि आप ये अगर प्रेपोजिशन लगाए हैं तो फिर आपका ये गलत है। लेकिन एक बात सुनना, जैसे अगर हमने ये कह दिया कि द टीम कंप्राइज्ड 10 मेंबर्स, हमने कहा टीम में 11 प्लेयर्स क्या थे, शामिल थे। आप कहें ये सही है, क्या ऐसा भी हम सही कह सकते हैं, टीम वाज कंप्राइज्ड ऑफ 11 प्लेयर्स। क्या ऐसा हम सही कह सकते, नहीं कह सकते। अब पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला आप मुझे बताओ सही है गलत है। अब कहना कि एक बात बताना कि अगर कॉन्स्टिट्यूट की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूटेड, तो कॉन्स्टिट्यूट मतलब किसी की रचना करना। किसी की रचना करना आप नहीं कह सकते, मतलब ये आंसर आपका गलत होगा। अब क्या होगा आंसर, कंसिस्ट ऑफ होना चाहिए, आंसर नंबर ए होना चाहिए। और क्या लिखें, ए इज द करेक्ट आंसर। बात सभी को समझ में आ गया? ये सॉरी सर जी मेरा नाम संध्या है, मैं अपने हस्बैंड के भाई के मोबाइल में देखी थी। ओ अच्छा संध्या जी, चलो अब कहना कि भाई आंसर नंबर आपको क्या होना चाहिए, इसमें आंसर नंबर 1 होना चाहिए। और क्या लिखे, कंसिस्ट ऑफ लिखें। क्या लिखें, कंसिस्ट ऑफ लिखें। अब कहें कि कंसिस्ट ऑफ हो सकता है अगर, हाँ अगर मे बी केवल कंप्राइज लिखा गया होता, अकेला कंप्राइज, तो आंसर उसे भी बनाया जा सकता था। अगर अकेला कंप्राइज लिखा गया होता तो आंसर वो भी कहा जा सकता था। अब कहना कि ये सवाल सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहां पर ये क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है और ये अब एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है, ये अब एडजेक्टिव है। तो अब ऑफ लगाया जा सकता है, बट ये वर्ब के फॉर्म में ऑफ लगाना इसके साथ गलत होगा। ये एक क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और किसी लिंकिंग वर्ब के साथ क्या आएगा अपना, कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होगा, और ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। और इसके साथ फिर ऑफ लगाया जा सकता है। अब क्या लिखे आंसर, आप कहें क्या 1 और क्या लिखे 1 इज द करेक्ट आंसर कंसिस्ट ऑफ। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा सा सवाल है। ये सभी एनडीए 2017 के सवाल है। अभी 10 क्वेश्चन लगातार इंप्रूवमेंट के आएंगे, फिर 5 क्वेश्चन पैरा जंबल के हैं। और एक बात ध्यान रखना कि भाई प्यार से पढ़ना, अगर समझना चाहते हो तो, केवल आंसर लगाना चाहते हो तो फिर टाइम नहीं लगता, लेकिन समझ करके पढ़ना चाहते हो मेरे भाई तो टाइम लगता है, ठीक है ना। आगे देखो, द मेड वॉज लेइंग द टेबल फॉर डिनर। हम ये कहना चाहते हैं मेड ने डिनर के लिए टेबल को लगाया, टेबल को रखा। हम ये कहना चाहते हैं कि मेड ने डिनर के लिए टेबल को लगाया, टेबल के डिनर के लिए टेबल को रखा। क्या सही आंसर? आप कहना बिल्कुल सही है। क्यों? इस बात को समझना पड़ेगा हमें। तो एक वर्ब होती है देखो लाई। देखो एग्जाम में लाई से बहुत बार सवाल पूछा गया, ठीक है ना। लाई से तो बहुत बार सवाल पूछा गया एग्जाम में। एक वर्ब होती है लाई और एक वर्ब होती है क्या ले होती है। देखो लाई को कहा जाता है एक तो झूठ बोलना, अगर इसका मीनिंग झूठ बोलना है तो इसकी फॉर्म होगी क्या लाई, लाइड और लाइड होगी। और ले का मतलब अगर लेटने की बात की जाए तो क्या क्या कही जाएगी इसकी फॉर्म, लाई ले लेन कही जाएगी। मतलब इसकी दो फॉर्म होती है, ये कहा जाएगा झूठ बोलना, ये कहा जाएगा लेटना। और ले एक ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और इसका मीनिंग क्या होता है अंडा देना, लेटाना, बिछाना। तो क्या कहा जाएगा ले, लेड और लीड कहा जाएगा। ये क्या है एक अपनी ट्रांजिटिव वर्ब है। इस बात को समझना कि ये क्या है अपनी ट्रांजिटिव वर्ब है और ले, लेड और लीड कहा जाएगा। इस बात को समझना। अब कहना कि भाई इसकी जब आईएनजी फॉर्म बनाई जाती है तो आईई को वाई में चेंज करके आईएनजी लगाया जाएगा। और जब इसकी आईएनजी फॉर्म बनाई जाएगी तो क्या कहा जाएगा लेइंग कहा जाएगा। अब कहना कि अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, लेकिन किसी इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते। आप कहना कि अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब है तो किसी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, बट किसी इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते। आप सभी ऐसा कहना। अब क्या कहेंगे आप सभी? देखो एक बात बताना कि ये वर्ब कैसी इंट्रांजिटिव है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज कोई नाउन प्रोनाउन होते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। आंसर कहना गलत होगा। देखो अब कहते हैं यार कि मैंने मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया, मैंने मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया, मतलब इसका यह है कि मैंने मैटर को सुलझा दिया। मैंने मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया, इसका मतलब मैंने मैटर को सुलझा दिया। अब कहना ये गलत है। सॉर्ट आउट मतलब सुलझाना, कहना गलत है। सेटअप की मीनिंग की जाए तो सेटअप को एस्टैब्लिश कहा जाता है, स्थापित करना। और हमें स्थापित करने की बात यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है, हमें केवल ये कहा जा रहा है कि मेड ने डिनर के लिए टेबल को लगाया, टेबल को रखा। अब केवल इतना कहना चाह रहे हैं। आंसर कहें ये भी गलत क्या होगा नो इंप्रूवमेंट। क्या डी नंबर किसी का आंसर था? रंजीत आंसर नंबर डी लगा लिया। राज दीपक सर जी मैं इंग्लिश से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रही हूं, क्या मैं आपकी ये क्लास अटेंड कर सकती हूं? अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो देखो टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस मैंने देखा है और उसका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, अगर पीजीटी की अगर हम बात करें तो 50 क्वेश्चंस जो आते हैं, 50 क्वेश्चंस वो एज इट इज जो एनडीए सीडीएस में क्वेश्चन आते हैं और एसएससी में क्वेश्चन आते हैं वो एज इट इज आपको कौन पूछता है पीजीटी। 50 क्वेश्चन 125 में से 75 क्वेश्चन इसमें लिटरेचर के होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें टीजीटी की तो टीजीटी में क्या होता है ना, टीजीटी में जो मैं पढ़ा रहा हूं लगभग 60% पूछा जाता है। मैं मान करके चल रहा हूं कि लगभग 70 to 80 क्वेश्चन यहां से सवाल पूछे जाते हैं और वो एज इट इज शायद इससे भी ज्यादा हो जाते हैं कभी कभी। और वो एज इट इज वो यही टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब ये है कि मैं लिटरेचर के पोर्शन को तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन ये वाला पोर्शन आपको जरूर पढ़ा सकता, ये वाला पोर्शन जरूर आपको पढ़ा सकता हूं। लिटरेचर का पोर्शन नहीं पढ़ा सकता, ये पोर्शन जरूर पढ़ा सकता हूं, ठीक है ना। चलो अब कहना कि आगे समझना। नेक्स्ट इस सवाल का आंसर बताओ, तब से मैं बता दूं टीजीटी पीजीटी क्या है। मनदीप सिंह टीजीटी पीजीटी वो है जिससे सरकारी नौकरी मिलती है, जिससे आपने टेंथ में आपने नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ अगर सरकारी स्कूल में पढ़ा होगा तो नाइन्थ टेंथ वो टीजीटी दे करके वो टीजीटी एग्जाम पास करके जो शिक्षक की भर्ती निकलती है उसको पास करके वो बनते हैं वहां पर सरकारी स्कूल में अध्यापक। और अगर आपने देखा होगा टीजीटी के बाद पीजीटी, अगर 11 और 12 अगर आपने सरकारी स्कूल में पढ़ा होगा तो जो 11 और 12 की क्लास को पढ़ाते हैं वो कहे जाते हैं कौन, पीजीटी वाले होते हैं वो, ठीक है ना। चलो पीजी वाले पीजीटी दे सकते हैं, हाँ वेरी गुड। इस सवाल का आंसर आया कोई? तुम लोग बतिया लो, आंसर मत देना, बस हो गया। चलो करो आंसर जल्दी से, क्या होगा फास्ट। अब करना कि वी हैव सो अरेंज द मैटर्स, हमने मैटर्स को बहुत अधिक अरेंज किया है। एंड वन ऑफ अस इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी, क्या करेंगे आंसर जल्दी से बताना। आज मेरा सर बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, सच बताऊं पढ़ाने का मन नहीं था लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ाने के लिए आ गया कि हमने कहा ना यार अब एक रूटीन बन गया है 10 से 11 का, तो रूटीन भाई फॉलो करना है, ठीक है ना। और इसमें एनडीए और सीडीएस के लिए जो इसी तरह, अब ये मत समझना ये एसएससी के लिए यूजफुल नहीं होगा, 1000 क्वेश्चन मैं आपको कराने की सोचूंगा इस संडे, इसी में मैं आपको एक मैराथन क्लास भी लूंगा, ठीक है ना। अब क्या होगा आंसर, अब ये बताना कि आपने इस चीज को पढ़ा होगा कि सो दैट मतलब क्या, कि एक कॉज होता है एक रिजल्ट होता है। मतलब क्या होता है कि ये आपकी डिग्री होती है, ये आपकी डिग्री होती है और मतलब एडवर्ब ऑफ डिग्री होती है और इससे क्या आता है कोई रिजल्ट आता है, क्या आता है रिजल्ट आता है। तो अब सो दैट तो आप सबने पढ़ा होगा, देखो सो दैट आपने पढ़ा होगा तो अरेंज्ड सो लिखा गया, अरेंज्ड क्या आपका एडजेक्टिव है और सो क्या है आपकी एक डिग्री है। अब इसके साथ मुझे क्या चाहिए, दैट चाहिए। अगर दैट चाहिए तो सो दैट तो एक पर्पस को बताने के लिए आता है, गलत होगा यहाँ पर। सच दैट आपका ये लगेगा नहीं, यहाँ पर ये भी गलत होगा। अब कहना कि भाई सो के साथ एंड तो ऐसा लगेगा नहीं, आंसर ये भी गलत होगा। आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। मतलब क्वेश्चंस को निकालने की एक टेक्निक होनी चाहिए, क्वेश्चंस को निकालने की टेक्निक होनी चाहिए, ना कि रटने की टेक्निक। आंसर्स को फाइंड करने की एक टेक्निक होनी चाहिए, अगर वो टेक्निक जिस दिन आपकी डेवलप हो जाएगी तो आप एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाओगे। तो हमने क्या लिखा, वी हैव सो अरेंज द मैटर्स दैट वन ऑफ अस इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। क्या आपको समझ में आ गया आंसर नंबर 1 क्यों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सबने सीखा होगा हार्डली और स्केर्सली के बारे में कि हार्डली और स्केर्सली क्या होता है। पहली बात तो आपने एक रट्टा मारा होगा कि हार्डली और स्केर्सली के साथ हम क्या लगाते हैं, वेल लगाते हैं, बिफोर लगाते हैं, क्या लगाते हैं। हार्डली और स्केर्सली के साथ हम क्या लगाते हैं, वेल लगाते हैं या बिफोर लगाते हैं। ये तो आपने रट्टा सभी ने मारा होगा कि अगर कभी भी हार्डली और स्केर्सली आ जाएगा तो इसके साथ हम क्या करेंगे, वेल लगाएंगे या बिफोर लगाएंगे। तो हार्डली और स्केर्सली के साथ हम क्या करेंगे, वेल लगाएंगे या बिफोर लगाएंगे। मतलब क्या है सुनो, ये है कि अगर, और एक बात और है कि हार्डली एक क्या है, नेगेटिव, एक नेगेटिव एडवर्ब है। अगर नेगेटिव एडवर्ब है और नेगेटिव एडवर्ब स्टार्टिंग में कभी भी आ जाए तो क्या होना चाहिए, इन्वर्जन होना चाहिए। अगर नेगेटिव एडवर्ब स्टार्टिंग में कभी भी आ जाए तो क्या होना चाहिए, इन्वर्जन होना चाहिए। बोलो हाँ या नहीं, इन्वर्जन होना चाहिए। अब कहना क्या इन्वर्जन इसने किया है, बोलो हाँ किया तो है, लेकिन 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 गलत है। क्यों गलत है, कि इस वजह से गलत है कि भाई हम प्रेजेंट की बात करना ही नहीं चाहते, हम तो बात कहां की करना चाह रहे हैं कि व्हेन इट बिगन टू रेन, जब वर्षा प्रारंभ हुई, तो हम फिर प्रेजेंट में चले जाएंगे। गलत आंसर, गलत हटा दो। फिर कहना कि वी हैड गॉट हार्ड, ये भी आंसर गलत, हटा दो इसे भी। अब कहना कि इसके साथ इन्वर्जन नहीं किया, ये भी हटा दो। आंसर नंबर क्या होगा, बी होगा। क्यों, क्योंकि हार्डली और स्केर्सली क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। हार्डली और स्केर्सली क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो पोजीशन होती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन ये भी हो सकती है कि देखो मेन वर्ब से हम पहले लगाते हैं, दूसरी पोजीशन क्या है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में लगाते हैं। इसकी थर्ड पोजीशन क्या है, तो इसकी थर्ड पोजीशन है कि हम टू बी के बाद लगाते हैं। इसकी फोर्थ पोजीशन क्या है कि यूज टू हैव टू और यूज टू हैव टू और आर्ट टू से पहले लगाते हैं इसकी फोर्थ पोजीशन ये है। तो ये 1 2 3 फोर्थ पोजीशन आपकी ये है, यानी आंसर क्या करना, आंसर नंबर बी लगा लेना और क्या कहना बी इज द करेक्ट आंसर। वी हैड हार्डली गॉट into the forest when it began to rain. नूतन, आज ही हमने कंजंक्शन की क्लास में इसे डिस्कस किया है। आप ऐप पर तो क्लास ले नहीं रहे हो और फिर यहां पर आकर के गलत गलत आंसर दे रहे हो। मतलब सब कुछ एक पार्ट होता है यार, वो भी पार्ट बहुत जरूरी है जो आपको एप्लीकेशन पे पढ़ा रहे हैं, वहां पर तो क्लास ले नहीं रहे हो आप, बस आकर के यहां पर गलत आंसर दे देना है। गलत बात है। अगर आप एप्लीकेशन पर बैच परचेज किया है तो उसे पढ़ो, यूटिलाइज करो उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस सवाल को बताना आंसर अभी। अच्छा, अभी हमने इस सवाल का आंसर आपको बताया क्या था। अब आप ये बताना कि ईच टाइम ही फेल टायर्ड, हमने कहा हर बार उसने क्या टायर्ड महसूस किया, ही लाइड डाउन, और जब उसने टायर्ड महसूस किया वो लेट गया कि मुझे सोना है। अब कहना कि भाई अभी हमने लाई के बारे में बात की थी कि लाई का मीनिंग अगर झूठ बोलना है तो लाई की फॉर्म होगी क्या, लाई, लाइड और क्या होगी, लाइड। और लाई का मतलब अगर लेटना है तो क्या होगा, लाई, ले और लेन होगा। लाई का मतलब अगर लेटना है तो लाई, ले, लेन होगा। अब क्या कहेंगे आप सभी कि हर बार उसने क्या टायर्ड महसूस किया, ही लाइट डाउन, वो लेट गया। अब एक बात कहना एक और कि एक और होती है ले ट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव होती है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता। देखो ऑब्जेक्ट नहीं आया, डाउन एक प्रेपोजिशन है, ये है ट्रांजिटिव, इसके साथ तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए। और इसकी फॉर्म क्या होती है, ले, लेड और लेड। अंडा देना या बिछाना कहा जाता है ले। अब एक बात कहना आप सभी कि सपोज अगर मैं यहां पर लेज लगा लूं, LAYS लेस लगा लो, तो ये प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में मतलब ये वाली ले ये हो जाएगी, इसके साथ ऑब्जेक्ट चाहिए, गलत है। ये तो झूठ बोलने की फॉर्म होती है, ये गलत होगा। फिर एक बात और, ये बात की जा रही पास्ट में, अगर पास्ट में बात की तो लाइज कहना तो कभी असंभव है ही नहीं। आप क्या कहें, ले कहें। और ले यहां पर लाई की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब क्या है, लेटना है। हर बार जब उसने क्या थकान महसूस की वो लेट गया, हर बार उसने जब थकान महसूस की वो लेट गया, हम ये कहना चाहते हैं। आंसर क्या लगाएं, थर्ड। बड़ा ही तगड़ा सा सवाल था ये, बड़ा ही तगड़ा सा सवाल था। चलो अच्छा नूतन, कोई बात नहीं है, समस्या तो मेरे को भी है आज, मतलब सर में इतना पेन कर रहा है कि मतलब जब बोल रहा हूं ना तब भी मतलब दर्द दे रहा है, बोलते वक्त दर्द दे रहा है, आप समझ सकते हैं आप। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इस सवाल का कहना, नो वन एंजॉयज टू डिसाइड हिज फैमिली। अब एक बात कहना, देखो मैं आपको बता दूं, 2 + V1 आप कब यूज करते हैं, जब आप किसी अनरियल सिचुएशन की बात करते हैं, अनरियल की बात करते हैं, प्लानिंग की बात करते हैं। जब आप किसी प्लानिंग की बात करें, किसी अनरियल सिचुएशंस की बात करें, किसी इमेजिनरी वाली बात करें, तो आप क्या लगाया करो, 2 + V1 लगाया करो। मतलब ये इन्फिनेटिव और जेरंड रटने वाली झंझट ही खत्म कर दिया, इन्फिनेटिव और जेरंड रटने वाली झंझट ही खत्म कर दिया। हमने क्या कह दिया कि जब कभी आपको अनरियल सिचुएशन हो, कोई इमेजिनरी हो, कोई प्लानिंग वगैरह हो, कोई विश हो, कोई विश हो, तो आप क्या लगाएं, 2 + V1 लगाएं। अगर कोई विश दी गई है, कोई अनरियल सिचुएशन दी गई है, कोई इमेजिनरी सिचुएशन दी गई है, कोई प्लानिंग की बात कर रखा है, तो आप कहें वहां पर क्या लगाएं, 2 + V1 लगाएं। वहां पर क्या लगाएं, 2 + V1 लगाएं। लेकिन एक बात बताना, V1 + ING कब लगाते हैं, अगर वो रियल सिचुएशन है तो, अगर वो रियल सिचुएशन है तो। अब रटने की झंझट खत्म हो गई, रटने की झंझट आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब कहना कि बस हमने क्या दिया, कोई भी किसी व्यक्ति को मजे नहीं आते हैं अपनी फैमिली को क्या करके, डिसेव करके, अपनी फैमिली को धोखा दे करके। ये रियल है या फिर अनरियल है, आप कहना ये रियल है या फिर अनरियल है। हमने कहा किसी व्यक्ति को मजे नहीं आते अपनी फैमिली को क्या धोखा दे करके। ये रियल सिचुएशन है या फिर अनरियल सिचुएशन है, आपको ये चीज बताना है। ठीक है, आपको ये चीज बताना है कि ये रियल सिचुएशन है या अनरियल सिचुएशन है, आपको ये चीज बताना है। तो एक बात बताना कि रियल है या अनरियल है, आपको इस चीज को बताना है। तो आप कहना कि नो वन एंजॉयज, हमने कहा कोई भी व्यक्ति एंजॉय नहीं करता है। तो डिसीव हिज फैमिली, अपनी फैमिली को डिसीव करना, किसी व्यक्ति को मजे नहीं आते। अब कहना कि ये रियल सिचुएशन है। अगर रियल सिचुएशन है तो आप कहें फिर क्या लगेगा, v1 प्लस ing लगेगा, 2 प्लस v1 नहीं लगेगा। आंसर कहना ये सब गलत होगा, आंसर नंबर ये होगा। पहला तरीका तो ये था अपना भाई। दूसरा तरीका ये है कि एंजॉय एक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाए। सपोज अगर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं आया तो आप क्या लगा लो, जेरेंड लगा लो। सपोज अगर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं आया तो क्या करो, जेरेंड लगा लो। एंजॉय आए तो एंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं आया तो क्या करो, जेरेंड लगा लो। जेरेंड कहने का मतलब क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आंसर नंबर क्या होना चाहिए इसका, आंसर नंबर 1 होना चाहिए और 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में और ये सभी एनडीए 2017 के सवाल थे जो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अब कहना कि दो, यद्यपि इट वॉज रेनिंग, हमने कहा यद्यपि वर्षा हो रही थी, बट आई वेंट आउट, लेकिन मैं बाहर गया। अब एक बात को पढ़ा होगा, दो, ऑल दो, इवन दो, ये क्या होते हैं, दो, ऑल दो और इवन दो, ये कंट्रास्ट को बताने वाले अपने क्या होते हैं, दो, ऑल दो और इवन दो, ये कंट्रास्ट को बताने वाले, ये कंट्रास्ट को बताने वाले अपने क्या होते हैं, कंट्रास्ट को क्या, कंट्रास्ट को बताने वाले अपने क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। इनके साथ हम क्या करते हैं, या तो एट लगाते हैं, अगर एट नहीं आया तो हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। हमने कहा या तो एट लगाते हैं या फिर क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, इन दोनों में से कोई एक चीज लगाते हैं। तब कहना कि यद्यपि इट वॉज रेनिंग, हमने कहा यद्यपि वर्षा हो रही थी, बट आई वेंट आउट, लेकिन मैं चला गया। अब कहना एक बात बताना कि बट तो गलत है, आंसर ये गलत होगा, हाईएवर होगा नहीं, ये होगा नहीं, केवल क्या लगेगा, आई लगेगा। बोलो आंसर नंबर क्या बनाओ, बी नंबर। हाय ईशान, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। प्रिंस, ईशान और मनदीप, नूतन, रोहित, ये रेगुलर आने वाले बच्चे हैं। चलो, नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। नूतन, क्या कर रहे हो, गलत है, आंसर नंबर 2 होगा, आंसर नंबर 2 होगा नूतन, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये बड़ा तगड़ा सा सवाल है, हमने कहा ये बड़ा तगड़ा सा सवाल है। अब सवाल, इस सवाल का आंसर करना क्या होगा, फास्ट। ये बड़ा तगड़ा सा सवाल है भाई, अभी जाना नहीं यार, टोटल आपके अभी 7 या 8 क्वेश्चन बचे हैं। 25 क्वेश्चन करवाएंगे और संडे को, इस संडे मैराथन लूंगा तो लगभग 200 क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि 1000 क्वेश्चन का टारगेट है एनडीए का। एनडीए के एग्जाम होने से पहले 1000 क्वेश्चन हमें करवाना है। इट इज एन एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेस एंड इट वंस बिलोंग्स टू द पांडवास। हमने कह दिया कि इट इज एन एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेस, हमने कह दिया कि ये एक एंशिएंट है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है। It once belongs to the Pandavas. अब ये बताना कि हम ये कहना चाहते हैं कि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ये एंशिएंट प्लेस है, ये कभी पांडवा का हुआ करता था, कभी ये 5 पांडवों को हुआ करते थे। ये मतलब हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो फिर ये कहना, ये कहना, ये कहना सब गलत। आंसर केवल एक होगा, बिलोंग्ड होगा। समझ में आ गया होगा कि बिलोंग्ड क्यों होगा। ईशान, नूतन, प्रिंस, भाई आंसर नंबर ए बनेगा। प्रिंस, आंसर नंबर ए बनेगा। क्या होगा, ये बिलोंग करता था, पांडवास का कभी हुआ करता था। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा सवाल है, जल्दी से आंसर करें क्या होगा, जल्दी से। 6 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, इसके बाद पैरा जंबल के क्वेश्चन आएंगे, जो एनडीए 2017 के पैरा जंबल के क्वेश्चन थे वो वाले। Since we were knowing the correct route, अब knowing का तो ing आप बना सकते नहीं है। अगर आप knowing का ing नहीं बना सकते हैं तो आप कहना फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर ये गलत है। फिर एक बात कहना कि अगर ये बात पास्ट की दी गई है, did, डेट पास्ट की है तो पास्ट का ही तो यहां भी होना चाहिए क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज है और कंजंक्शन के बाद आने वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट दोनों किसमें होती है, पास्ट में होती है। अगर ये पास्ट में है तो इसके बाद आने वाली क्लॉज भी किसमें होगी, पास्ट में ही होगी, मतलब आंसर ये गलत होगा। आंसर न्यू होना चाहिए, KNEW। तो क्या लिखे आप सभी कि सिंस वी न्यू द करेक्ट रूट, चूंकि हमें करेक्ट रूट पता था तो वी डिड नॉट वरी एट ऑल, तो मुझे वरी नहीं होना चाहिए था। आंसर क्या लगा लो, ए लगा लो। एक पैरा जंबल का क्वेश्चन है, सिंस वी न्यू पास्ट टेंस होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। इस सवाल का आंसर करें जल्दी से, क्या होगा फास्ट। पैरा जंबल का क्वेश्चन है एनडीए 2017 का, क्या होगा फास्ट करें आंसर 1 2 3 4। अब कहना एक बात देखना कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस बात को समझना है कि हम स्टार्टिंग कर कहां से सकते हैं, हम स्टार्टिंग कहां से कर सकते हैं, ऐसा था ये। हम स्टार्टिंग कहां से कर सकते हैं इस बात को हमें देखना है। तो एक बात बताना कि दैट तो यहां पर कंजंक्शन है, इसके साथ सब्जेक्ट और वर्ब है, तो दैट से तो स्टार्टिंग पी से आप कर नहीं सकते, मतलब आंसर ये गलत है। फिर कहना है कि टू डाइवल्ज द वेन्यूज, भाई वेन्यू डाइवल्ज करना था, किसका डाइवल्ज करना था पता नहीं अभी तक, तो अब कहना कि भाई आप कहना कि एस से भी स्टार्टिंग नहीं कर पाएंगे, इसे भी हटा दो। फिर कहना आर बचता है क्यू बचता है, तो आर से स्टार्टिंग देखो होगी नहीं, होगी स्टार्टिंग कहां से, क्यू से होगी। अब क्या लिखेंगे, दे रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया। काहे के लिए मना कर दिया कि टू डाइवल्ज द वेन्यूज, यानी क्या स्थान बताने को मना कर दिया, स्थान को रिवील करने को मना कर दिया। फिर कहना क्यू एस, फिर कहना आर ऑफ दीज रेट्स, मतलब ये रेट्स जहां पर हुई थी उस रेट्स के वेन्यूज को बताने के लिए मना कर दिया, सेइंग दैट, ये कहते हुए कि इट वुड अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, कि ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पर क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को प्रभावित करेगा। इस वजह से उन्होंने वेन्यूज को बताने से मना कर दिया। आंसर क्या लिख ले, थर्ड लिखे, और थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्या करें कि इस सवाल का आंसर करना है। देखो आते सभी छोटे छोटे सवाल है, लेकिन बस थोड़ा सा आपने माइंड को कंसंट्रेट करना है। अगर माइंड को कंसंट्रेट करोगे तो एग्जाम में बेहतर करोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, एग्जाम में बेहतर करने के लिए माइंड के कंसंट्रेट को करना है। अच्छा 2017 से ही मैंने स्टार्ट ही किया है, ठीक है ना। फिर 18 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 20 आएगा, 21 आएगा, 22, क्योंकि हमें 1000 क्वेश्चन लेना है, तो 2017 से मैंने स्टार्ट किया है। अब कहना एक बात समझना, यहां पे स्टार्टिंग कहां से होगी, तो आप कहना गोज वर्ब से स्टार्टिंग नहीं करोगे, एस से, आंसर ये नहीं होगा। फिर कहना कि दैट ही, मतलब दैट क्या है, कंजंक्शन है ही, फिर आप कहना पी से स्टार्टिंग नहीं होगी। फिर कहना कि बाइंग थिंग्स, क्यू से भी स्टार्टिंग नहीं होगी, क्यू से स्टार्टिंग कहीं किया नहीं। अब कहना कि आर एस क्यू पी या आर पी क्यू एस क्या होना चाहिए, तो आप कहना कि देखो दैट रिच मैन, ये पूरा सब्जेक्ट हुआ, हमने कह दिया वो अमीर आदमी, दैट रिच मैन, वो अमीर आदमी। अब इसके साथ आर के साथ है एस, गोज ऑन, अब कहना कि आर के साथ एस लगा लो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, आर एस क्यू। Goes on buying things that he already has, हमने कह दिया वो अमीर आदमी उन चीजों को भी खरीद सकता है जो उसके पास पहले से भी है, क्योंकि वो अमीर है, हम गरीब हैं, हमारे पास एक टी शर्ट है, हम उसी से काम चलाते रहते हैं। आंसर क्या लगाना, बी लगाना। अगला देखो, अब करना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अगला सवाल है, कल भी अगेन एनडीए और सीडीएस के ही क्वेश्चन लाऊंगा, एनडीए और सीडीएस क्वेश्चन मिलाकर के मैं आपको 1000 कर दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले, एनडीए सीडीएस के एग्जाम से पहले मैं करवा दूंगा। अब देखो इस सवाल का आंसर क्या होगा। अब सवाल को अगर पढ़ेंगे तो द पुलिस कमिश्नर रज्ड द कंट्रोल टू द क्राउड टू कंट्रोल द पुलिस फोर्स, अब ये बताना कि कंट्रोल करेंगे किसको, क्राउड को, तो आप कहना कि आर के साथ क्या आएगा, क्यू आएगा। आर के साथ क्यू देखो यहां पर नहीं है, आर के साथ क्यू इसमें है, आर के साथ क्यू इसमें नहीं है, आर के साथ क्यू इसमें नहीं है। आंसर नंबर क्या होगा, यही वाला होना चाहिए, पी से स्टार्टिंग होगी। द पुलिस कमिश्नर रस्ट द पुलिस फोर्स टू कंट्रोल द मूव, आंसर नंबर क्या लिखें, सी, और क्या लिखें, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, माई ब्रदर टू अटेंड हिज फ्रेंड्स वेडिंग इज गोइंग टू चेन्नई टुमारो। अब क्या ना भाई टुमारो से स्टार्टिंग नहीं होगी, एस से नहीं किया, आर इससे स्टार्टिंग नहीं होगी, आर से यहां पर होगा हुआ नहीं होगा आंसर। फिर कहना कि टू अटेंड हिज फ्रेंड्स वेडिंग ये पहले नहीं आ सकता है, क्यू से स्टार्टिंग नहीं होगी, स्टार्टिंग पी से होगी। अब माई ब्रदर मेरा भाई गया, इज गोइंग टू चेन्नई कहां पर गया, कहां पर जा रहा है वो, चेन्नई जाने वाला है, चेन्नई जा रहा है, तो पी के साथ क्या कहना, आर कहना, पी के साथ आर कहना, मतलब ये नहीं होगा पी आर। इज गोइंग टू चेन्नई कब जाएगा, टुमारो जाएगा, काहे के लिए जाएगा, पर्पस, ये पर्पस को बताने का काम कर रहा है। टू अटेंड हिज फ्रेंड्स वेडिंग अपने फ्रेंड की वेडिंग को अटेंड करने के लिए पर्पस को बताने का काम कर रहा है, उद्देश्य को बताने का ये काम कर रहा है। क्लियर हुआ? इस सवाल का आंसर देखें क्या होगा, जल्दी से बनाएं। क्विकली ही गेव ऑर्डर्स टू कैच द थीफ टू हिज मैन। अब ये बताना उसने ऑर्डर दिया अपने आदमियों को, मतलब क्यू के साथ एस और क्यू से स्टार्टिंग है, मतलब आंसर नंबर ये होगा। फिर क्या कहना कि ही गेव ऑर्डर्स उसने ऑर्डर दिया अपने आदमियों को आर टू कैच द थीफ के थीफ को पकड़ के लाओ तुरंत। कर लिया आपने, चलो वेरी गुड। ये हमारा इंग्लिश स्पेशल 02 का बैच है, 01 का भी बैच आप लोग ले सकते हैं लेकिन वो रिकॉर्डेड अब मिलेगा। 4999 में आप सभी को ये बैच मिल जाएगा। बीट एग्जाम्स के एप्लीकेशन पर, बीट एग्जाम्स का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी क्लास में आने के लिए। बीट एग्जाम्स इसकी पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो या तो आप टेलीग्राम चैनल बीट एग्जाम्स देख लो, टेलीग्राम ग्रुप आप बीट एग्जाम्स देख लो, बीट एग्जाम्स डालोगे टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर चले जाओ और प्ले स्टोर पर जाने के बाद हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लो। ऐप को इंस्टॉल कर लोगे क्या, बीट एग्जाम्स, वहां पर एक यूट्यूब का सेक्शन है, वहां पर आपको यूट्यूब की क्लास मिल जाएगी, वहां पर आपको एक यूट्यूब का सेक्शन है, वहां पर आपको यूट्यूब की क्लास मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर के देख लो। आप सभी से भाई निवेदन जरूर है कि वीडियो एंड होने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी रही है। सभी के कमेंट का रिप्लाई जरूर मैं करता हूं, कैसी थी और क्या ये इनिशिएटिव सही था या फिर नहीं था, ये भी जरूर बताइएगा। तो आप सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, गुड नाइट। मिलते हैं कल अगेन, कितने बजे, रात्रि के 10 बजे। ओके, बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।